पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर है। देश भर में कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। वहीं सरकार लगातार तर्क दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब इस मसले पर एक्सपर्ट की राय सामने आ रही है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर किरीट पारिक का कहना है कि हमने ही सरकार को पेट्रोल डीजल को रेगुलेट करने की बात कही थी, जिसे यूपीए एनडीए ने स्वीकार भी किया था। बता दें कि किरीट पारिक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने करीब 8 साल पहले पेट्रोल डीजल को विनियमित सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा है कि समय परिस्थिति इसलिए बिगड़ी है क्योंकि केंद्र सरकार काफी अधिक मात्रा में टैक्स वसूल रही है। उन्होंने कहा है कि करीब 100% टैक्स सरकार की ओर से वसूला जा रहा है। सरकारें ये नहीं कह सकती हैं कि वो अमीरों को लूटकर गरीबों को दे रही हैं, क्योंकि गरीब भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस समय से निपटने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को परेशानी से बचाना है तो टैक्स कम करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों को अपना टैक्स कम करना होगा। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा है कि केंद्र को 2-3% और राज्य सरकार को 5% तक टैक्स में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलना सबसे आसान होता है और हमारे देश में इसे सबसे ज़्यादा वसूला जाता है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर फ्यूल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा तो कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार धीरे धीरे पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल कर सकती है। कुछ समय के लिए उसे राज्यों को घाटे के लिए पैसा भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।